अगर आप भी ढोकला बनाना चाहते हैं और मार्केट जैसा बिल्कुल नहीं बनता है, उसका टेक्सचर नहीं आता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से ढोकला बनाना आ जाएगा। यहाँ पर मार्केट स्टाइल ढोकला बनाने के लिए आप थोड़े से इजी टिप्स सीखने होंगे जो बहुत काम क्या होते हैं। तो एकदम स्पॉन्जी और लाइटली ढोकला बनाने के लिए चलो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम मार्केट स्टाइल ढोकला बनाने के लिए, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, यानी 150 ग्राम ये बेसन है यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। यहाँ पर हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है, यानी छोटी आधी चम्मच ले सकते हैं आप। मार्केट में जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग तो ऑब्वियसली कलर डाल देते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करिएगा। फिर मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ, छोटी चम्मच का आधा हिस्सा उसमें डालेगा, और फिर 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, यानी थोड़ा ही होना चाहिए। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच हमें नमक ऐड करना है, पर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसमें ऐड कर देना है 3 चम्मच चीनी, यहाँ पर मैं छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, अगर आप बड़े चम्मच का इस्तेमाल करें तो 2 चम्मच ही डालें। उसके बाद यहाँ मैंने पूरा 1 नींबू का जूस ले लिया है। उसके बाद आपको इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका बैटर जो है थोड़ा सा मीडियम रखें, ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, ना इसे ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा इसे गाढ़ा करना है, इसे बस मीडियम रखना है इस तरीके से। तो आपको इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, तो इस तरीके से इसे फेंटते रहना है। जब इसका बैटर कुछ इस तरीके से बन जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा था। तब आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा आ चुका है, तो बैटर काफ़ी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसे प्लेट पे बंद करके 15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। तब तक यहाँ पर मैं कढ़ाई में पानी डाल दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है लगभग। हमें इतना पानी डालना है कि भाप में जो बैटर है वो अच्छे से पक जाए, तो इतना पानी डालना है। उसके बाद स्टैंड रख कर हमें इसे प्लेट से बंद कर देना है 5 मिनट के लिए, जब पानी बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से। आप इसे 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पानी बॉयल हो चुका होगा, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से पानी गर्म हो चुका है। तब तक मैं इसे देख लेती हूँ। तो यहाँ जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, तो बस इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर 1 पैक इनवा ऐड कर रही हूँ, तो ये आपको बिना फ्लेवर वाला लेना है, अगर आपका जो मन हो आप वो भी डाल सकते हैं, पर बिना फ्लेवर का जो इनो है वो डालने से आपका जो ढोकला है उसमें कोई टेस्ट का चेंज नहीं होगा और वो वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसे डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में याद रहे उसी तरीके से इसे चलाते रहना है और इसे फेंटते रहना है अच्छे तरीके से। अब इस तरीके से कोई गहरा बर्तन या फिर कोई कटोरा जो आपके पास हो आप उसमें डाल सकते हैं, तो आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, वरना यहाँ पर नॉर्मली एकदम थोड़ा सा घी डालकर प्लेट में डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें सारा बैटर जो है हम इस प्लेट में डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा गहरा हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था कुछ भी। तो ये बस आपको डाल देना है और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। उसके बाद 10 मिनट लास्ट के हाई फ्लेम पे पकाना है इसे। टोटल 25 मिनट तक इसे बेक करना है हमें, तब इसे पकने देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे चेक करने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे, इसे अंदर डालकर देखना है। अगर इसमें अगर बेसन कच्चा होगा तो इसमें आ जाएगा, पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं आया है, इसका बैटर काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो यह मैं आपको दिखा रही हूँ, नॉर्मली जो टूथपिक है वो निकल कर आ जा रही है। तो ये रेडी हो चुका है, तो इसे एक साइड पर रख के आपको पहले तड़के का, तो यहाँ तड़का बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 कप तेल और 1 चम्मच राई। राई अच्छे से भुन जाए उसके बाद 2 हरी मिर्च डाल देना, 2 से 3 हरी मिर्च कट करके। थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे तब तक। फिर इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता थोड़ा सा, और ये इसका तड़का बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से बैठ
लॉबस्टर जो है ढोकले का काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो पहले इसे कट कर लेते हैं। पहले इसे कॉर्नर से आपको चाकू से निकाल लेना है, किसी भी चीज़ की हेल्प से आपको इसे कॉर्नर से पहले निकाल लेना है, वरना ये चिपक जाता है। जो फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट पर इस तरीके से। प्लेट को उल्टा करना है, पीछे से थोड़ा सा डैप करना है, उसके बाद ये निकल जाएगा इस तरीके से। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो शेप आया बहुत अच्छा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी स्पंजी है ये। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी मुलायम बना है और स्पंजी भी है। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा और गहरा बर्तन हो तो आप उसमें ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा ढोकला मार्केट स्टाइल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत सिंपल तरीके से बनता है ये और इसमें टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। तो इसमें तड़का डाल देंगे हम लोग। ढोकला बिल्कुल मार्केट स्टाइल ही दिख रहा है और अगर बच्चों की चीज़ों से तो घर में बनाए ढोकला के अंदर से बना कर दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसमें तो ये रेडी है खाने के लिए।